हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलोन फैक्ट। गाइस, आज का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि गाइस हेयर स्टाइल की वीडियो काफ़ी ज़्यादा हम लाए हुए हैं तो, लेकिन बहुत से लोगों ने सिंपल एंड ईजी ट्रिक से हेयर स्टाइलिंग बताओ, कोई बन बनाओ, काफ़ी ज़्यादा लुक बना रखी थी अपना, हाई बन, लो बन, साइड बन और बहुत सारी टिपें बता रखी थी, उनका फ्रंट के वेरिएशन फॉल बना रखा था। तो उन्होंने बोलते सारी गर्लीस लुक है, कुछ ऐसी लुक लाओ जो मतलब आंटीज लुक हो, मतलब मैच्योर लुक पर हम वो बना सके, क्योंकि हर किसी पे हाई फॉल और साइड बन सब पे नहीं जाता गाइस। कुछ सिंपल सा बन उन्होंने बोलते जो इजीली बहुत जल्दी बन सके। तो गाइस आज की मैं हम वीडियो लेकर आए हैं, तो गाइस ये देखिए पफ का सेक्शन हमने फ्रंट का छोड़ रखा है और जो नैप एरिया का जो सेक्शन है मिड साइड जो है इसमें हम एक पोनी करेंगे। गाइस काफ़ी यार सिंपल हेयर स्टाइलिंग है, आप बहुत इजीली तरीके से बना सकते हो उसको, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला आपको। गाइस पोनी हमने बांध के रख ली है अलग सेपरेट, और पफ का जो सेक्शन है वो आपको दिख रहा होगा मैंने साइड से ऊपर मतलब छोड़ रखा है, और साइड टू साइड टू हेयर पार्टिंग भी कर रखी है, और क्लाइंट के जो आपको दिख रहा होगा ऊपर के जो हेयर में चोट लगी थी उधर हेयर ग्रोथ कम है तो उसको भी हमें कवर करना है। तो थोड़ा सा डेंसिटी वॉल्यूम के लिए गाइस हम करने वाले क्रिम्पिंग, तो क्रिम्पिंग गाइस आपको काफ़ी ज़रूरी है, मैं अपनी हर एक हेयर स्टाइलिंग में कहता हूँ क्योंकि क्रिम्पिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं अपने हर एक हेयर स्टाइलिंग की वीडियो में कहता हूँ। अगर आप क्रिम्पिंग नहीं करेंगे तो गाइस आपके जो पफ का जो एरिया है उसमें इतनी वॉल्यूम नहीं आएगा, इतनी डेंसिटी नहीं आएगी। आपको खुद को ही पता होना चाहिए कि अगर हमें पफ देना है तो उसमें पफ क्यों देते हैं, वॉल्यूम के लिए देते हैं ना, और जो होता है हमारा हाफ वॉल्यूम तो हमारे को क्रिम्पिंग दे देती है, आपको इजीली पफ बनाने में रहता है, बहुत ज़्यादा इजी रहता है। और ये देखिए गाइस क्रिम्पिंग हमने पफ एरिया पर ऑलमोस्ट कर लिया, सिर्फ एक सेक्शन रह रहा है। तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा क्रिम्पिंग आपको, मतलब दिखाऊंगा नहीं ज़्यादा क्योंकि हर एक वीडियो में मैं आपको क्रिम्पिंग दिखाता रहता हूं। तो अगर आपको भी अगर बोर लगता होगा तो कमेंट करके गाइस मुझे बता देना कि क्रिम्पिंग की वीडियो में इसमें थोड़ा सा ज़्यादा नहीं शॉर्ट ही दिखाऊंगा, क्योंकि आई होप गाइस आप जितने मेरे पुराने सब्सक्राइबर आप सभी को समझ आ गया हो क्रिम्पिंग कैसे करते हैं, और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी मैंने ये देखिए कुछ पार्ट क्रिम्पिंग के ऐड करे ताकि उन्हें भी पता चल सके कि क्रिम्पिंग किस तरीके से करते हैं। नॉर्मली गाइस जैसे हम आइनिंग करते हैं सिंपल सेक्शन बाय सेक्शन निकाल के, देन वैसे ही आपको सेक्शन निकालना है, इसमें जो है आपको पुश करना है क्रिम्पिंग को, पुश करते करते रूट टू एंड्स पर आ जाना है। तो क्रिम्पिंग करने के बाद गाइस देखिए पफ का सेक्शन जो है हमें इस तरीके से निकालना है, बैक से पफ में गाइस बैक कॉम्बिंग करने वाली वीडियो मिस हो गई थी तो गाइस आपको समझ आ ही गया होगा। अगर आपको बैक कॉम्बिंग करने नहीं आती है तो मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, नॉर्मली बैक कॉम्बिंग हमने करी है। बैक कॉम्बिंग गाइस आपकी हमेशा रूट्स पर रहनी चाहिए, रूट्स पर अगर नहीं रहेगी तो पफ एकदम दबा दबा सा बनेगा, और इसको हम गाइस लॉक करने वाले पोनी जो है ना हमारी, जो हमने पोनी बनाई थी पोनी के ऊपर इसको लॉक करेंगे, जो हमारी पिने वो आधी पफ में और आधी पोनी के अंदर जाएगी, क्योंकि गाइस पिन लॉक करने का सबसे बेटर तरीका यही होता है कि आधी पिन पोनी के अंदर जब जाएगी तो पिन हमारी बहुत ज़्यादा अच्छे से टाइट लगेगी। ये देखिए एक पिन में भी इतना स्टे कर गया है, लेकिन दूसरी पिन भी हम इसमें लगाएंगे, दूसरी पिन लगाने से गाइस हमें सिक्योरिटी मिल जाती है कि पफ हमारा अच्छे से लॉक हो चुका है। तो गाइस अगर आपको लगता है कि आपका पिन लगाते समय पफ ऊपर नीचे हो गया तो आप टेल कॉम की मदद से उसकी जो टेल होती है वायर कॉम है उसको अच्छे से आप उसको अच्छे से ऊपर की साइड पुल करके उसको एकदम सही शेप दे सकते हो। तो गाइस ऐसा नहीं है कि कहीं से दब गया तो आपको पूरा पिन हटाने के बाद आपको फिर लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ये गाइस हम साइड पार्टिंग को देने वाले, कुछ नहीं ज़्यादा मतलब फ्रंट पे क्रिएटिविटी बनाने वाले, सिंपल सोबर लुक देंगे और इन पर बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा, और इनको सिंपल सोबर लुक ही चाहिए था। तो हम आगे की फ्लिक्स जो है उसका जो एक सेक्शन है उसको अलग से सेपरेट कर देंगे, देन इनके बैक पर अच्छा सा कुछ बनाते हैं नॉर्मल सिंपल सा, बस एक अच्छा सा एक फोल दे देंगे इनको नॉर्मली। और बैक कॉमिंग भी देखिएगा इसमें हमने फोल में नहीं करी है,
नॉर्मली जो इनका वॉल्यूम आ रहा है वो पूरा क्रिम्पिंग से ही आ रहा है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ क्रिम्पिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नॉर्मली गाइस इनका फॉल जो हम देंगे एकदम फेस से थोड़ा सा अटैच करते हुए देंगे, जो फेस फ्रेमिंग से आउट ना जाए। इसको भी गाइस हम कर लेंगे लॉक। और गाइस जो हमारे साइड के ये वाले जो हेयर बचे इनको भी हम करने वाले पिनअप। इनको भी पिनअप गाइस इसी तरीके से करके थोड़ा लूज और स्प्रेड फॉल करके फॉल बनाएंगे स्प्रेड करके, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मतलब थोड़ा मर्जिएबल हेयर स्टाइलिंग आएगी। जब हेयर स्टाइलिंग में गाइस मर्जिएबल नहीं आता कि कोई साइड किस टाइप की बनाई है, नीचे ट्विस्टिंग कर दी फिर ऊपर स्प्रेडिंग कर दी, गाइस वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऊपर नीचे अप डाउन हेयर स्टाइलिंग हमेशा मर्जिएबल होनी चाहिए। तो इसको भी गाइस हम कर देंगे बॉब पिन की मदद से लॉक। बॉब पिन गाइस हम बड़ी वाली यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होती है पिन लगाने में तो कोशिश करिएगा आप बड़ी पिन यूज़ करिएगा। अगर छोटी भी करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन आपकी जो पिन लगाने की जो टेक्निक है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। गाइस जो पिन लगाने की जो टेक्निक है मैं डे 3 में लाने वाला हूँ कि आपको बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा। डे 1 और डे 2 अगर मेरी हेयर स्टाइलिंग की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बेसिक टू एडवांस तक जाएंगे। अभी जो हमारा अच्छा खासा बेसिक हेयर स्टाइलिंग चल रही है और काफ़ी ज़्यादा उस पर अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है। ऐसे धीरे धीरे हम डे 3 डे 4 पे आएंगे, उसमें आपका सब क्लियर हो जाएगा। और गाइस प्रॉपर लॉक करने के बाद जो सेक्शन हमने लॉक करे फॉल बना के इनको अच्छे से स्प्रे करना है। हमेशा आपको पिन लगाने के बाद स्प्रे करना है। और आगे का जो फ्रंट की फ्लिक्स है दोनों साइड से बैककॉम्बिंग करेंगे, क्योंकि फाइन सेक्शन है नीचे बहुत जल्दी गिरता है। इसको ना ज़्यादा हम उठाकर बनाएंगे और ना ही ज़्यादा इतना स्प्रेड करेंगे कि फोरहेड पर ही चिपके चिपके लगे। मीडियम में बनाएंगे इसलिए हल्की सी बैककॉम्बिंग करी है, हल्की सी अपर स्प्रेड कराएं ताकि ज़्यादा चिपका हुआ भी ना बने, वो फेस भी हमारा अच्छे से जो है फ्रेम हो सके। जो हमारे क्लाइंट का जो फेस है उसे हमने क्या करना है, साइड से हल्का सा फोरहेड कवर करना है, क्योंकि जो लुक है काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है। मिरर में देखे गए हमें पता चल जाता है कि किस तरीके की लुक और किस तरीके की स्टाइलिंग हमें करनी है। इसलिए गाइस मैं क्या आपको कहता हूँ हर वीडियो में कि अगर आप हेयर स्टाइलिंग कर रहे हो पहले तो आपको अपने हाथ की होल्डिंग देखनी है, देन आपको मिरर में देखना है कि क्या आपका जो हेयर स्टाइल जो आप बना रहे हो वो आउट ऑफ फ्रेम तो नहीं जा रहा। अगर फेस से बाहर निकलता हो जाता है तो गाइस वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, फेस बहुत ज़्यादा ब्रॉड लगता है। और गाइस जो फ्लिक्स हमने सेट करी है बैम्बू स्टिक्स में लगाई है, इसको जो हमने लगाई है गाइस वो जस्ट थोड़े से होल्डिंग के लिए लगाई है। अगर इसको हम लगाते भी नहीं तो भी हमारा काम चल जाता। तो गाइस क्या होता है जब हम बैम्बू स्टिक जब लगाते हैं तो हमसे बैम्बू स्टिक सही तरीके से नहीं लगती है। अगर आपसे भी बैम्बू स्टिक सही से नहीं लगती है इस टॉपिक पर भी गाइस मैं वीडियो अलग सेपरेट बना दूंगा, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। और गाइस का जो सामने का जो फ्रंट हेयर स्टाइलिंग है सिंपल है, ज़्यादा मतलब क्रिएटिव नहीं है, तो आपको ये कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। क्योंकि गाइस हमने बहुत से हेयर स्टाइल क्रिएटिव वाले सीखे हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसे हेयर स्टाइलिंग आने चाहिए जो सिंपल होने होते हैं। क्योंकि गाइस हर किसी को क्रिएटिव हेयर स्टाइल नहीं चाहिए होता है और हर किसी पे अच्छा नहीं लगता अकॉर्डिंग टू एज। सो गाइस इसी पर्पज़ से हम जो वीडियो लाए थे इसलिए लाए थे आपको सबसे ईजी और जल्दी बनने वाला है बन भी बता देंगे और इससे हमारे व्यूवर्स को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो गाइस ये हम जो साइड का जो पार्ट है इसको भी हम बैक साइड जो पफ हमने लॉक करा उधर हम पिनअप करेंगे। उससे पहले गाइस इनके ऊपर हम हल्का सा जो है फेस फ्रेमिंग दे देंगे। फेस फ्रेमिंग इन पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो ये देखिए इसी सेक्शन में से हमने साइड की जो है फ्लिक्स निकाल दी है। क्योंकि गाइस जब हमें मिरर में देखते हमें खुद पता चल जाता जब हम इसको पिनअप करने जा रहे थे तो हमें लगा कि साइड से मतलब इनकम्प्लीट लुक आ रही है, तो हमने जैसे इनकी साइड की फ्रेमिंग छोड़ी तो प्रॉपर कंप्लीट लुक हमें मिरर में दिख जाती है कि हाँ ये एक कंप्लीट लुक है। सो गाइस इसको भी अब हम पिनअप कर देंगे। गाइस ज़्यादा लूज पिनअप नहीं करेंगे, पिनअप हल्का सा इस वाली हेयर स्टाइलिंग में थोड़ा सा टाइट ही रखेंगे। क्योंकि गाइस हमने फ्रंट पे इतना मतलब वेरिएशन नहीं बनाया वॉल्यूम वाला, अगर इसको हम थोड़ा सा लूज़ करेंगे तो वो आउट ऑफ फ्रेम निकलेगा, फेस से बाहर निकलता हो दिखेगा अलग से ही।
हम बढ़ा सकते थे फ्रंट टाइट, थोड़ा लूज कर सके पिनअप कर सकते थे तब जब हमारा फ्रंट ज़्यादा हैवी होता। तो गाइस ये डोनट लगाया हमने पोनी में, जो हमने पहले पोनी बनाई थी पहले, तो जो ये डोनट है गाइस काफ़ी ज़्यादा हैवी नहीं लगाना, हमने डोनट खोल के काट कर तब ये डोनट लगाया है। अगर किसी को डोनट खोल कर काट कर नहीं आता कि डोनट कैसे खोलते हो कैसे कट करते हैं, तो इस पर मैंने वीडियो बनाई है, वीडियो का नेम होगा गाइस हेयर स्टाइल डे टू के नाम से वो वीडियो होगी, मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। गाइस वाले इस वाले बन में हम कल्स नहीं करने वाले, ऐसी जो हमें फिंगर से सेल्स बना के इसे पिनअप करेंगे, इसको जो बोलते हैं गाइस इसे बोलते हैं सेल्स। तो गाइस फिंगर की मदद से हम सेल्स बनाएंगे और कुछ ब्रेडिंग बना के इसको पिनअप करेंगे प्रॉपरली, आपको टोटली मिला के आपको एक अच्छा सा बन बनाना है, चाहे वो आप सेल्स बना के करें या फिर आप ब्रेड बना के करें। तो गाइस ये नॉर्मली हमने साइड से ब्रेड ली थी, इसकी थोड़ी सी छोटी सी वीडियो बस मिस हो गई है इधर उधर गाइस, वो फ़ोन में जो स्पेस है उसके कारण इधर हो गई है। तो इसमें जैसे हमने कुछ नहीं करता, साइड से जो ब्रेड थी उसे इस साइड ला के पिनअप करा है, जैसे कि अभी हम दोबारा करने वाले इस वाले सेक्शन को हम करने वाले, इसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखिए हमने नॉर्मली एक सेक्शन लिया, इसको हमने जस्ट ट्विस्ट करा है, आपस में एक दूसरे को ट्विस्ट करा, कोई ब्रेड नहीं बनाई और उसमें हल्की सी पुलिंग करी है, जो पहले वाला सेक्शन था गाइस उसमें भी सेम हमने ऐसे किया है। ब्रेड वगैरह बोल सकते हो आप, अगर आप ब्रेड बनाना चाहते हो ब्रेड भी बना सकते हो, हमने जस्ट ट्विस्टिंग करी है। ट्विस्टिंग में गाइस टाइम हमें कम लगता है और काफ़ी अच्छी मतलब अनटाइडी लुक आ जाती है, और ब्रेड में गाइस थोड़ी टाइडी लुक आती है, ब्रेड थोड़ी टाइट बनती है तो बहुत ज़्यादा टाइडी लुक आती है। इनकी हेयर की डेंसिटी इतनी अच्छी नहीं है, जो अगर हम ब्रेड बनाएंगे तो बाल भी हमारे कम पड़ सकते हैं। तो हल्की हल्की ट्विस्टिंग करके इसको हम पिनअप करेंगे, ये देखिए अच्छे से हमें गाइस डोनट के अंदर पिन जानी चाहिए। अगर डोनट के अंदर पिन नहीं लगती, मतलब आपकी आधी जो आपके हाथ में बाल है ट्विस्टिंग वाला उस पर पिन लगेगी, देन वो कहीं इधर उधर एक दूसरे के बालों में जाएगी, तब आपका जो पिनअप है खुल सकता है। आपका पिनअप क्या होना चाहिए, आधी जो पिन है जिस सेक्शन को लॉक कर रहे हो आधी उसमें होनी चाहिए, आधी आपके बेस यानी कि डोनट में होनी चाहिए। डोनट लगाने का पर्पस ये भी होता है कि हमारी जो पिन है अच्छे से उस पर स्टे कर जाती है, वरना ऐसा नहीं है कि बिना डोनट के बन नहीं बनता। अगर आपको बिना डोनट के बन सीखना है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मैं गाइस आगे नेक्स्ट उसकी वीडियो बना दूंगा। तो गाइस ध्यान, इसमें भी हम सेम ट्विस्टिंग करके थोड़ा से जो है पुलिंग करेंगे और लेफ्ट साइड में इसको पिनअप कर देंगे। आपको बस बैक साइड से ये देखना है कि आपका जो बन है आउट ऑफ फ्रेम नहीं जा रहा और एकदम सही शेप में बन रहा है, तो आप उसे वहीं पिनअप कर सकते हैं। तो गाइस वाले स्टाइलिंग में क्या होता है, बहुत जल्दी बन जाता है, आपको कर्ल्स करने की भी नीड नहीं होती, आपका फिंगर की मदद से सेल्स बना के और ट्विस्टिंग को पुलिंग करके आप इजीली इसको बन में बना सकते हो। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस तरीके की वीडियो काफ़ी ज़्यादा मैं लेकर लाता रहता हूँ, कलर से रिलेटेड, मेकअप और हेयर स्टाइल से रिलेटेड। हमारे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो आप विजिट करके देख सकते हैं, और गाइस जो हमारे चैनल पर न्यू हो तो आप प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस आपको ये बन कैसा लग रहा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि ये बन आपको कैसा लग रहा है और ये ट्रिक कैसी लगी आपको। इसी तरह की इजी ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, और इसमें गाइस आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, देखिए सिर्फ जस्ट ट्विस्टिंग करके आपको पिनअप करना है। आपको इसमें ज़्यादा शेप भी नहीं देखनी, क्योंकि शेप जो है आपने राउंड डोनट जो लगा रखा है वो आपकी एक गाइडलाइन है, उसी डोनट के गाइडलाइन पर आपको चलना है और उसी के ऊपर आपको पिनअप करना है। जब आप उसी के ऊपर पिनअप करोगे तो आपका जो बन है वो अपना आप ही शेप में अच्छा आएगा। ओ गाइस ये देखिए इस वक्त कैसा दिख रहा हो, तो आपको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है गाइस। और अगर आपको कोई हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं गाइस, मेरे पे जैसे ही टाइम मिलता है मैं वैसे ही जिस जिसकी कमेंट रीड करता हूँ उन सभी को मैं रिप्लाई करता हूँ गाइस। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को रिप्लाई नहीं करता, बस टाइम की थोड़ी कमी रह जाती है गाइस, वीडियो भी बनाना होता है और भी काम होने होते हैं। तो इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हो, और आजकल तो क्यों अन्य वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट भी डाली थी। अगर आप कोई मन में क्वेश्चन है तो क्यों अन्य के लिए कम्युनिटी में जाके मेरी उधर क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उस वीडियो में उसका आंसर दे दूँगा।
तो गाइस ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा जो बन है प्रॉपर तैयार हो चुका है। और वीडियो अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। और गाइस आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे सैलून से रिलेटेड, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो गाइस वो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर मैंने विजिटिंग कार्ड दिया हुआ है, उस पर हमारा एड्रेस और नंबर दोनों चीज़ मेंशन है। तो आपको हमारे सैलून से रिलेटेड कैसी भी इंक्वायरी चाहिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और गाइस हमारे सैलून का जो एड्रेस है कार्ड पे मेंशन है, एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ। हमारा जो सैलून का एड्रेस है वो रोहिणी सेक्टर 17 मेन मार्केट राकेश मेकओवर के नाम से गाइस ये न्यू दिल्ली में है, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। गाइस प्रॉपर हमारा बन चुका है हेयर स्टाइल और फाइनल लुक जो आपके सामने है। तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना वीडियो अच्छी लगी तो, और वीडियो को भी गाइस शेयर कर दिया करो। और मिलते गाइस अगली नेक्स्ट वीडियो में। ओके टेक केयर, बाय बाय।